सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम बेसन के लड्डू बनाएंगे। तो चलिए इसके साथ मैं अपने वीडियो को शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, पहले मैंने 2 कप बेसन लिया है, 1 कप चीनी लिया है, 1 कप घी लिया है और मैंने थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और हरी इलायची पाउडर लिया और थोड़ा सा पानी की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए पहले मैं इसका तगार बना लेती हूँ। तो तगार बनाने के लिए हमें 1 कप चीनी चाहिए, 1/3 कप पानी चाहिए और तगार को हमें कंटिन्यू चलाते रहना है क्योंकि इसमें लम्स पड़ जाएंगे अगर हम लोग कंटिन्यू नहीं चलाएंगे। तो इसे मैं कंटिन्यू चलाते चीनी को हम जमने वाली कंसिस्टेंसी तक पका लेंगे। अगर चीनी हमारी साफ़ ना हो तो थोड़ा सा दूध डाल करके उसे हम साफ़ कर लेंगे और उसमें जो किनारे किनारे झाग है उसे हम निकाल देंगे। लेकिन जो मेरी चीनी है वो साफ़ है तो इसके लिए मुझे दूध की ज़रूरत नहीं पड़ी है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी मैंने इस वजह से डाला है जो हमारे तगार है उसमें जो गुठलियाँ पड़ेंगी वो नहीं पड़ती हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी चीनी अब सफ़ेद दिखने लगी और जमने वाली कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे गैस पर से उतारती हूँ। इसे हमें कंटिन्यू चलाना है, अगर हम इसे कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तो ये जम जाएगी तो हमारा तगार जो है वो अच्छा नहीं बनेगा, उसमें गांठें पड़ जाएंगी। फ्रेंड्स, मेरी तगार बनके रेडी हो गई है। अगर आपके तगार में गांठें पड़ जाती हैं आप इसे फोड़ करके मोटी छलनी से छान लीजिए, इससे हमारा तगार एकदम साफ हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं कढ़ाई को हीट होने के लिए रख देती हूँ। अब हमें बेसन भुनना है तो उसके लिए मैंने पहले घी लिया है। घी मैंने 1/2 कप लिया है। फिर 2 कप बेसन लिया है और इसे मैं अच्छे से चलाती रहूँगी। इसे आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। अगर आपको घी लग रहा है कि कम है तो आप इसमें थोड़ा सा और थोड़े थोड़े बीच बीच में घी ऐड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैंने फिर दोबारा थोड़ा सा घी और डाला है, मुझे कम लग रहा था घी तो मैंने एक बार और थोड़ा सा घी और डाल दिया है। आपको बेसन को तब तक भुनना है जब तक उसकी जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। फ्रेंड्स, मेरे जो बेसन का कलर है वो चेंज हो गया और ये अपने आप गीला हो जाएगा और घी छोड़ने लगेगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें थोड़ा से पानी का छींटा मारूंगी। पानी का छींटा मैंने इस वजह से मारा है जो हमारा बेसन का लड्डू रहेगा वो दानेदार बनेगा, इसी की वजह से बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारा बेसन है इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप इसे कंटिन्यू नहीं चलाओगे ना तो ये आधी जगह पकता है आधी जगह नहीं पकता। तो इसे हमें इसी वजह से कंटिन्यू चलाते रहना है क्योंकि आप अगर कंटिन्यू चलाओगे तो वो चारों तरफ का जो बेसन है आपका भुनाता रहेगा। सो फ्रेंड्स, बेसन को अब हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैं अच्छे से सारे बेसन को ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें गरम गरम बेसन में तगार नहीं मिलानी है। अगर आप गरम गरम बेसन में तगार मिला दोगे जो हमारा तगार है वो पिघलना शुरू कर देगा और जो हमारा बेसन है वो। सो फ्रेंड्स, मैं इलायची पाउडर ऐड कर दूंगी और थोड़ी सी पिसी हुई ड्राई फ्रूट्स और ये मैं तगार डाल देती हूँ। या आप अपने अकॉर्डिंग मीठा रख सकते हो, अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। आपको तगार तब तक मिलानी है जब तक वो बेसन के साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए। उसके बाद मैं लड्डू बांधने शुरू कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, बहुत लोग कहते हैं कि हमारे जो लड्डू होते हैं वो बाज़ार की तरह नहीं बनते हैं, वो बाज़ार से भी अच्छे बनते हैं क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट लिया वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का लिया है। और जैसे आप घी लेते हो तो बाहर की चीज़ों में मिलावट होता है तो इस वजह से बाज़ार के टेस्ट अलग होता है और घर से बनी हुई चीज़ के टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी था और बहुत ही टेस्टी था। आप लोग एक बार ट्राई करके बताना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये रेसिपी जो है आपको कैसी लगी और मैं आपको तोड़ के भी दिखा सकती हूँ, काफ़ी अच्छी थी।